नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 2018 और 2019 के टॉप 50 MCQ क्वेश्चंस लेकर आया हूं। इनमें ब्रांड एम्बेसडर, नियुक्ति, राज्य सरकारों की योजनाएं, राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो, और कुछ इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सबमिट्स हुई हैं, भारत के इंडेक्स क्या हैं, ये सारे वीडियोस, ये सारे क्वेश्चंस वीडियो में मिलेंगे आपको। तो ये आपका एक अच्छा एक रिवीजन होने वाला है 2018 और 2019 के करंट अफेयर्स का। वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस पैटर्न में हैं, आपके लिए बहुत ही हेल्प मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम को सेमीफाइनल में किस देश ने पराजित किया, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो दक्षिण कोरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है। ऋतु बीमा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये योजना जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू की गई है, और इस योजना का उद्देश्य जो है सभी किसानों को, तेलंगाना राज्य के सभी किसानों को 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो सड़क सुरक्षा सप्ताह के, सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है 100 महिलाएं जिन्होंने दुनिया को बदला, यानी कि उन पावरफुल वुमेन्स के बारे में जिनके कार्य ने, जिनकी खोज ने दुनिया को एक नए दिशा की ओर बढ़ाया है, उनमें BBC द्वारा 100वें स्थान पर सूचीबद्ध भारतीय महिला कौन है इनमें से, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। अमृता प्रीतम जो है 100वें स्थान पर हैं, और इस सूची में जो है मैडम क्यूरी फर्स्ट स्थान पर हैं, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, इन सबका स्थान है, लेकिन 100वें स्थान पर अमृता प्रीतम जी हैं। इन 100 महिलाओं की सूची वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपने कार्यों से दुनिया को एक नए मोड़ पर लेके गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा कर दिया गया है, बताइए राइट आंसर क्या है। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो झारसुगड़ा हवाई अड्डा जो है, ऑप्शन नंबर डी, इसका हवाई अड्डे का नाम बदलकर वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा रख दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मदद किससे संबंधित है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑपरेशन मदद केरल में बाढ़ पीड़ित के बचाव से है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। केरल में जो बाढ़ पीड़ित हुए थे उनके बचाव से ऑपरेशन मदद संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम किस दूर संचार कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो MC मैरीकॉम BSNL की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला क्रिकेट सुपर लीग, महिलाओं का जो क्रिकेट का सुपर लीग होता है जिसको किया सुपर लीग के नाम से जाना जाता है, उनमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो स्मृति मंधाना इसका राइट आंसर है। स्मृति मंधाना को किया सुपर लीग का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। स्मृति मंधाना को महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शिव छत्रपति पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है। हाल ही में दिलीप ट्रॉफी 2018-19 की दिलीप ट्रॉफी जो होती है उसके फाइनल मैच में किसे मैन ऑफ द मैच चुना गया, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ये हमेशा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। दिलीप ट्रॉफी में निखिल गंगता, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, निखिल गंगता को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार प्रदान किया गया 2018 का,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेंजिंग गोर्गे पुरस्कार जो है आपका INSSV तारिणी में सभी महिला चालक दल सदस्य जो थे जिन्होंने दुनिया का चक्कर लगाया अकेले, तो उनको ये तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2018 प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में कौशल भारत के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है बताइए, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो कौशल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में वरुण धवन और अनुष्का शर्मा को चुना गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए क्या पूछा गया है आपसे। हाल ही में किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, जर्मनी। जर्मनी में पहली हाइड्रोजन से संचालित रेलगाड़ी का शुभारंभ हुआ है और इस रेलगाड़ी का नाम क्या है, कोराडिया आइलैंड। इस रेलगाड़ी का नाम है कोराडिया आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा कोराडिया आइलैंड, इस ट्रेन का नाम है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस लड़ाकू विमान में हवा में ही ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया है। अब विमान को ईंधन भरने के लिए युद्ध के दौरान बेस कैंप में नहीं आना होगा, हवा में ही उसमें ईंधन फिल कर सकते हैं, कौन सा वह विमान है बताइए, राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो वह विमान है तेजस। तेजस विमान में हवा में ही ईंधन भरने का सफल परीक्षण किया गया, इसके बारे में देख लीजिए, ये रूस में निर्मित है IL-78 MKI टैंकर विमान द्वारा तेजस MK-1 लड़ाकू विमान में ईंधन भरा गया जिसका ये सफल परीक्षण हो सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 से 24 फरवरी 2019 को सैन्य विमानन प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, कहाँ पर किया गया बताइए, सैनिकों के जो विमान होते हैं उनकी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पर किया गया बताइए, तो राइट आंसर क्या है, बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ये जो प्रदर्शन है बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में जारी ब्रांड इंडिया टॉप 5 ब्रॉयड्स इंडिया टॉप 75 की रिपोर्ट के अनुसार लगातार 5वें वर्ष का सबसे मूल्यवान ब्रांड किसे घोषित किया गया है, तो ब्रांड इंडिया टॉप 75 में लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है HDFC बैंक है, ये बैंकों को दिया जाने वाला एक कहा जाए जो बहुत अच्छी संस्था होती है उनको दिया जाने वाला एक अच्छा इनाम, एक कहें तो सम्मान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, नियुक्ति हमेशा पूछी जाती है याद कर लीजिएगा, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो है रेखा शर्मा को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने मस्तिष्क जैसा कार्य करने वाला विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर यानी स्पाइनेकर का निर्माण कार्य पूरा किया है बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, हर एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, वीडियो जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, पूर्वी तट पर आए गज नामक उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का नाम किसने दिया बताइए, चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका इसका राइट आंसर है, ये गज नाम श्रीलंका ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस जगह पर तिरंगा झंडा फहराए जाने के 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है बताइए, राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोर्ट ब्लेयर में ये सिक्का जो है जारी करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में विमोचित नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पुस्तक जो हैं एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं बताइए, राइट आंसर क्या है,
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शशि थरूर। शशि थरूर ने नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा स्क्रीन पर। 14th नवंबर 2018 को आयोजित विश्व मधुमेह दिवस की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन जेई में पूछा गया है। अभी हाल ही में जो जेई का एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसकी थीम क्या है, परिवार एवं मधुमेह, 2018 के मधुमेह दिवस की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा स्क्रीन पर। इंद्र 2018 किन दो देशों के बीच के युद्धाभ्यास का नाम है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो इंद्र 2018 भारत और रूस के बीच का संयुक्त अभ्यास है, ये नौसैनिक अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में आरंभ किया गया लीप कार्यक्रम का क्या अर्थ है, किससे लिया, किसके लिए होता है, ये बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी, नेतृत्व विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम है, एक प्रकार का शिक्षा से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में संगवारी मतदान केंद्र की स्थापना की थी, बताइए कौन सा यह राज्य, क्या होगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में संगवारी मतदाता केंद्र की स्थापना की गई थी, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इस बार जो मतदान हुए हैं उसमें महिलाओं ने पिछली बार से अभी परसेंटेज रेशियो बहुत ही ज़्यादा है मतदान करने का, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। जाफा एवं सातगुड़ी निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, संतरा। संतरे की एक नई किस्में डेवलप हुई हैं, जाफा और सातगुड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि नई किस्म है, संतरे की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अवनी जिसके मारे जाने का पर्यावरणविद आलोचना कर रहे हैं वो क्या है, अवनी कौन है। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तो अवनी एक बाघ है महाराष्ट्र राज्य में। इस बाघ ने कई व्यक्तियों को, कई इंसानों पर हमला करके, लगभग अगर एक नंबर बताया जाए तो लगभग 30+ लोगों को हमला करके मार दिया, जिसके कारण महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग ने इस बाघ को मारने का आदेश दिया था। इससे पर्यावरणविद आलोचना कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में ऑपरेशन ग्रीन के लिए जारी दिशा निर्देश किन तीन फसलों के लिए है, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, टमाटर प्याज और आलू। ऑपरेशन ग्रीन जो है टमाटर प्याज और आलू से संबंधित, तीन फसलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के अनुसार जल गुणवत्ता सूचकांक में विश्व के 122 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो भारत की रैंकिंग 120 है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार जो विश्व में अभी तक दूषित पानी से पीने वाले लोगों की संख्या बताई गई है, तो प्रतिदिन चार करोड़ लोग पर डे दूषित पानी पीकर अपना जीवन यापन करते हैं। जल की कमी के कारण काफ़ी स्थिति गंभीर बनी हुई है कई इलाकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। पैराडाइज एट वॉर अ पॉलिटिक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, ये पुस्तक बहुत चर्चित रही है, किसने लिखी है पुरस्कार, बताइए पुस्तक किसने लिखी है ये। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी, राधा कुमार ने ये पुस्तक लिखी है। हाल ही में जो कश्मीर में हो रहे आतंकवादी दंगे हैं और कश्मीर राज्य की जो हिस्ट्री है उससे संबंधित एक पुस्तक में बहुत ज़्यादा बातें बताई गई हैं, बहुत ही चर्चा में रही थी ये पुस्तक, जरूर पूछी जा सकती है। जेई में भी इस पुस्तक का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईरान भारत को तेल निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। भारत को तेल निर्यात करने वाले दो और कौन से देश हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी, इराक और सऊदी अरब, इसका राइट आंसर है। भारत को सऊदी अरब, इराक और ईरान, ये तीनों देश मिलकर तेल का निर्यात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ट्रैफिक नामक वन्य जीव व्यापार निगरानी नेटवर्क ने दिवाली के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रजाति की अनुष्ठानिक बलि रोकने की मांग की है,
तो ये जो है उल्लू, ऑप्शन नंबर डी, अंधविश्वासों के तहत दीपावली की रात में उल्लू की बलि देना माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के बराबर माना जाता है। तो एक ये संगठन है जिसका नाम है ट्रैफिक, तो वन्य जीवों पर जो अत्याचार होता है उसको रोकने के लिए काम करता है। तो इसने मांग की है कि अनुष्ठानिक बलि में जो उल्लू का बलि दी जाती है दिवाली पर उसको रोका जाए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोरल रीफ को बचाने के लिए सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, पलाऊ। दोस्तों आप सभी जो सनस्क्रीन लगाते हैं जिससे आपके त्वचा पर सूरज की जो जलन है उससे नहीं होती है, वो कोरल रीफ के द्वारा बनाई जाती है। सनस्क्रीन के बहुत ज़्यादा उपयोग के कारण कोरल रीफ जो है दुनिया में, जो आपका ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के सहारे है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्षति हो रही है। तो वैज्ञानिकों के तर्क के अनुसार सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाकर कोरल रीफ को बचाए जाने का एक अभियान शुरू किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर। माइक्रोसेफाली निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, हाल ही में एक वायरस के कारण बहुत सारे लोगों को प्रभावित होना पड़ा है जिसका नाम है जीका वायरस। तो जीका वायरस से होने वाली बीमारी जो है माइक्रोसेफाली है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या पूछा गया है। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू को जिम्बाब्वे यात्रा के दौरान भारत एवं जिम्बाब्वे के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उन्होंने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहां स्क्रीन पर। किस राज्य सरकार ने INS विराट को तैरता संग्रहालय में तब्दील कर दिया है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, INS विराट जो है तैरते संग्रहालय के रूप में परिवर्तित हुआ है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। भारत में निम्नलिखित में से किस दिवस को आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो धन्वंतरी दिवस, आयुर्वेद के ये भगवान कहे जाते हैं धन्वंतरी। आप सभी को शायद ही पता होगा दिवाली से कुछ दिन पहले धनतेरस जो आती है, लोगों में ये भावनाएं रहती है कि उस दिन नए बर्तन या नई चीज़ें खरीदनी चाहिए। दरअसल वो धन्वंतरी भगवान के लिए बनाया गया दिन है। उस दिन आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, तो वो धन्वंतरी भगवान जो हैं आयुर्वेद के भगवान कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूछा गया है। गाइया इंसेलाइस्ट जो हाल ही में खबरों में रहा, ये क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, गाइया इंसेलाइट्स एक गैलेक्सी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो हमारी आकाशगंगा में एक नई गैलेक्सी खोजी गई है, हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जरूर आपसे आंसर की उम्मीद रखता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसको आप कहते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो गुजरात में बनी हुई है, उसको बनाने वाले शिल्पकार का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति को किसने बनाया है, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए राम वी सुतार जी एक हैं। जैसे चंडीगढ़ का रॉक गार्डन नेकचंद ने बनाया है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके शिल्पकार हैं राम वी सुतार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ स्थित है जो हाल ही में खबरों में रही, बताइए। तो घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए बिहार में स्थित है घोड़ा कटोरा झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताइए। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किसके उपलक्ष में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जन्म दिवस के रूप में उनके उपलक्ष में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, मैरी कॉम विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकॉर्ड बना चुकी हैं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 6 पदक जीते हैं इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
यूनेस्को ने किस शहर को वर्ष 2019 की विश्व पुस्तक राजधानी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी शारजा इसका राइट आंसर है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए शारजा किस देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल 2019 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 2019 की थीम क्या है, बताइए। तो विश्व मलेरिया दिवस 2019 की थीम है आपकी ऑप्शन नंबर बी, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी, शून्य मलेरिया का प्रारंभ मुझसे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, C-444-1 जो हाल ही में खबरों में रहा वो क्या है, बताइए। तो C-444-1 जो हाल ही में खबरों में रहा एक तटरक्षीय भारतीय तटरक्षक बल का पोत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर मार्स क्वेक को खोजा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है, कौन सा अंतरिक्ष यान है ये, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इनसाइट, मिशन इनसाइट आपने जाना ही है, सुना भी है, मंगल यान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा स्क्रीन पर, वर्ष 2019 के विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम क्या है, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिच फॉर गोल्ड आईपी एंड स्पोर्ट, ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की थीम है 2019 की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, किन दो देशों के बीच बोल्ड कुरुक्षेत्र 2019 नामक संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजित हुआ, बताइए। चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर सी भारत और सिंगापुर के बीच में बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गूगल ने किस देश में विंग नाम से प्रथम होम डिलीवरी सेवा ड्रोन सेवा आरंभ की है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रूस ने किसे अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पल से सम्मानित किया है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी नरेंद्र जी मोदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रूस का सम्मान प्राप्त करने वाले नरेंद्र मोदी जी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसने फॉर्मूला वन की 1000वीं रेस जीती है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लेविस हैमिल्टन, लुइस हैमिल्टन जिसको आप बोलते हैं, लुइस हैमिल्टन, इन्होंने 1000वीं रेस जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस देश ने रावण नामक अपना पहला उपग्रह 18 अप्रैल 2019 को प्रक्षेपित किया, जेई में क्वेश्चन आया है ये, तो इसका राइट आंसर क्या है, श्रीलंका, ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका राइट आंसर है। श्रीलंका की राजधानी और श्रीलंका की मुद्रा जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने छयोफेल कुंदेलिक नामक बौद्ध मठ का पुनर्निर्माण करवाया है, यह बौद्ध मठ किस देश में स्थित है, बताइए। तो राइट आंसर क्या है, यह बौद्ध मठ नेपाल में स्थित है, नेपाल में आए भूकंप के कारण यह बौद्ध मठ जो है नष्ट हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था, तो भारत ने इसके निर्माण की जिम्मेदारी ली है और भारत इसके निर्माण कार्य को पूरा करेगा। तो दोस्तों ये थे आपके पास करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो की लिंक को दोस्तों के साथ में भी शेयर करें, आपका कितना स्कोर आया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर पहला वीडियो देख रहे हैं ये, तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे इस तरीके के और भी वीडियो आपके लिए टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अंत तक देखने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बहुत बहुत धन्यवाद।